नमस्कार साथियों, स्नेहा नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट में एक बार आप सभी शिव भक्तों का फिर से मैं रवि स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में आज नर्मदेश्वर शिवलिंग का रहस्य क्या है इसके बारे में पूरे डिटेल से मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आपको आज के इस वीडियो में नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक की ओर चलते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग के चमक का रहस्य क्या है। हमें बहुत सारे शिव भक्त यहाँ सवाल पूछते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग इतना चमकदार कैसे होता है। तो हम उन सभी शिव भक्तों को कहना चाहते हैं कि नर्मदा जी का जो यह पत्थर होता है जिसे शिवलिंग का आकार दिया जाता है, यह हमेशा ही मां नर्मदा जी में पाया जाने वाला। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नर्मदेश्वर शिवलिंग में आपके यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ, जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही दुर्लभ नर्मदेश्वर शिवलिंग है। आप इस शिवलिंगों की जलधारी भी देख सकते हो, बहुत ही सुंदर डिजाइन के बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर शिवलिंग आप देख सकते हो, बहुत ही अद्भुत नर्मदेश्वर शिवलिंग है यह। इन शिवलिंगों का चमक का रहस्य यह है कि यह इन शिवलिंगों पर मां नर्मदा जी का जल डालने पर नर्मदेश्वर शिवलिंग में चमक आती है। इस पर किसी भी रूप से केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम आपको एक जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, आप देख सकते हो कि नर्मदेश्वर शिवलिंग को जब जल से निकाला जाता है तो वहाँ उसकी चमक चली जाती है। ठीक उसी प्रकार इस पर फिर से जल डालने पर इस पर चमक आती है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चमक का रहस्य है कि जितना आप नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल डालोगे उतनी ही चमक नर्मदेश्वर शिवलिंग में अधिक होती है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए, इन सभी शिवलिंगों पर जल डाला हुआ है और सभी शिवलिंगों पर चमक कैसे आ रही है। लेकिन मैं आपको एक नर्मदेश्वर शिवलिंग दिखाता हूं जिस पर धीरे धीरे जल सूख रहा है जिससे उसकी चमक चली जाती है। जिस देखिए, बहुत ही अद्भुत तरीके से देखिए यह शिवलिंग की चमक, देखिए इस पर जो और जो आप बाकी शिवलिंग देख रहे हो इनमें जल डाला हुआ है, इस कारण की चमक अधिक हो रही है। अब इस पर देखिए, मैं आपको जल डाल के दिखाता हूँ। इस पर देखिए, ये पूरा सूखा हुआ शिवलिंग है, ओरिजिनल शिवलिंग है मां नर्मदा जी का। अब इस पर जल डालने पर यह किस प्रकार से अद्भुत प्रतीत होगा, देखिए किस प्रकार से बहुत ही सुंदर है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल डालने पर यह इसकी चमक बहुत अधिक हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग है, यहाँ अद्भुत शिवलिंग है। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की विशेषता है इस बारे में सभी शिव भक्तों को जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है यहाँ। ओम नमः शिवाय साथियों, नर्मदे हर 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 महादेव, घर घर महादेव।